हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूडी कैसल। आज हम लोग बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम। तो सबसे पहले इसके लिए हमको चाहिए होल चिकन। ये होल चिकन जो है हमने फ्रीज़र में रख लिया था, अच्छे से वॉश करके इसको फ्रीज़र में रख लिया था 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये चिकन जो है थोड़ा सा सॉलिड हो और कुक होने के टाइम पे इन्हें जल्दी से मतलब टेयर नहीं हो। एंड उसके बाद हमको चाहिए दही अराउंड 300 ग्राम्स। ये है घी 2 से 3 बड़े टेबल स्पून। लौंग, काली मिर्ची, शाहजीरा, ये है लाल मिर्ची पाउडर, और ये है दालचीनी और इलायची। तो सबसे पहले हम अपने मसालों को जो है ग्राइंड कर लेंगे। इलायची, शाहजीरा, काली मिर्ची और दालचीनी, सिवाय लौंग के सारे चीज़ें हमने पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पे हमने सब इसका पाउडर बना लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हमारे दही में ऐड करेंगे। तो अब ये दही में ऐड करेंगे अपने मसाले। करेंगे नमक, सारे चीज़ें मसाले जो है आपको स्टार्टिंग में ही ऐड करना है, क्योंकि बाद में हम कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ लेंगे एक बर्तन, इसमें ऐड करेंगे हमारा घी और इसमें ऐड करेंगे दही का मिक्सचर। फुल फ्लेम पे रखेंगे थोड़ा, जब ये बॉईल होगा तो इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये बॉईल होना स्टार्ट हो गया, इसमें हम अपना होल चिकन जो है वो हम प्लेस करेंगे। फ्लेम पे कुक करना है 15-20 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। इसको ढाप देंगे अच्छे से ढाप दें। तो अब अराउंड 20 मिनट हो गए हैं, अब हम हमारे चिकन निकालेंगे और चिकन को थोड़ा ऑलमोस्ट इसको भी फ्लिप करना है। चिकन को हमने फ्लिप करा है, इसको और 15-20 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से कुक हो गया है, यानी कि मतलब ये कुक हो गया ऑलमोस्ट। ये दूसरा साइड भी ऐसे ही पक जाएंगे, तो इसको हम उतार लेंगे। तो अब मुर्ग मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। ये तो ये चिकन जो है मसाले में से निकाल के साइड में रख लिए, और ये मसाला देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसका अच्छा जो है घी आ गया बाहर, मतलब सारा मसाला जो है घी छोड़ चुका है। तो अब इसकी हम क्या करेंगे, अच्छे से प्लेटिंग कर लेंगे। इनके लिए हमने यहाँ पर ले ली है एक डिश, साइड में डेकोरेट करेंगे टमाटो और कुकुम्बर। साथ ही प्लेस करेंगे 2 से 3 ग्रीन चिली और उसके ऊपर टॉप करेंगे 2 से 3 लेमन। तो
मुर्ग मुसल्लम डिश अपनी रेडी है, साथ ही मैं इसके सर्व कर रही हूँ पोमोग्रेनेट मोहितो। इसकी वीडियो अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए।